सर नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम सरदार शेर सिंह है जी। अच्छा अच्छा, गांव कबूलपुर के ही रहने वाले। तो हमने हमने आज तक गुलामी सही है, अब थोड़े आजाद हुए। अच्छा, 50 साल से इधर सरपंच बढ़ने को इधर बढ़ रहे, हमारे गांव का कोई विकास नहीं, कोई काम नहीं। अच्छा। अब हमने निश्चित किया कि आप आजाद होंगे, अपना उम्मीदवार परविंदर कौर को खड़ा करे है कि आगे आए और कम से कम अपना गांव का विकास तो करें। लोगों ने क्या समस्याएं आपको? समस्या सभी है गांव में, कोई नाली नहीं, कोई गली नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई बत्ती नहीं, ना कोई शमशान घाट है, कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो ठंडी। जो कि हमारे गांव की सबसे ज्यादा पंचायत जमीन हमारे गांव की है, आज तक किसी ने पूरा खाया हमें को कुछ नहीं दिया। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ से हम जब से पाकिस्तान हिंदुस्तान बना जब से यही रह रहे हैं, हमारा जन्म यहीं का ही है। किसानी करते हैं क्या? हाँ, किसानी करते हैं जी। अच्छा, मेहनत मजूरी करके किसानी अपना पेट पालते हैं। हमारा ज्यादा है यहाँ पर, हाँ समस्या ही सारी समस्या ही है। किसी ने आज तक मुड़ के नहीं देखा, इधर भी कोई सरदारों का काम बस रहा है। अच्छा, सब अपना वोट ली बने और पीछे मुड़ के नहीं देखा किसी ने भी। चलो ठीक है, तो सपोर्ट है इनको? हाँ जी, सपोर्ट है जी, पूरा हमारा हाथ है, हमने इसको अपनी सहमति से खड़ा कराया है। चलो बहुत अच्छी बात है, देखिए सबको आगे आना चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए। इनको वोट देंगे कि नहीं? वोट देंगे इनको? इनको वोट देंगे। चलो वोट देंगे तो जीत पक्की होगी। हाँ वोट देंगे। आइए सर इधर आइए। क्या नाम है सर? नमस्कार सर जी, धन्यवाद करना चाहता। मेरा नाम मंजीत सिंह है जी, मैं पूर्व पंचायत मेंबर रह चुका हूँ जी। सर हमारे गांव का कोई विकास नहीं है जी, बिल्कुल। हमारे गांव के जाकर देखो आप, गलियों में पानी भरा पड़ा होगा, कतई बच्चे भी पानी में से निकलते हैं जी। सरपंच पहले हमारे चिरसी गांव से बनते आए हैं और पार्षद भी बनते आए हैं, लेकिन हमारे गांव का कोई विकास नहीं हुआ। इसको तो ग्रेटर फरीदाबाद कहते हैं भाई। नहीं, ये ग्रेटर फरीदाबाद नहीं है जी, इसमें तो कोई विकास नहीं, विकास के नाम पे नाम के लिए बस। फरीदाबाद नहीं है? नहीं है, नाम के लिए। बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, बैकवर्ड एरिया। देखिए नाम रख दिया नेताओं ने ग्रेटर फरीदाबाद, लेकिन हमारा सपना है कि अगर हम सरपंच बनते हर समस्या का समाधान करेंगे गाँव के लिए, करने के लिए तैयार है। सही बात है, सरकार पैसे देने को तैयार रहती है, लेकिन आधी रात को भी किसी को समस्या आती है हम अवेलेबल रहेंगे। हमने पूर्व सरपंच के खिलाफ पहले एप्लीकेशन रही दी थी, मैं पंचायत मेंबर हूँ, लेकिन नेता की सपोर्ट की वजह से उस दरखास्त दी हुई को कुछ नहीं हो पाया, उनका रिजल्ट बिल्कुल जीरो निकला है। चलो अच्छी बात है, देखिए जीत होगी। इसलिए हमने अपनी बहन परविंदर कौर को चुना है, इसलिए इसको हम विजय बनाएंगे। चलो अच्छी बात है, देखिए परविंदर कौर जीतेंगी तो काफी काम करा पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट फंड्स देती है, लेकिन फंड्स का यूटिलाइजेशन सही होना चाहिए। अगर सरपंच सही होता है तो फंड्स का सही से यूटिलाइजेशन करता है, उनको डेवलपमेंट में लगाता है। हाँ। पंचायत हमारा सपना है, अगर हमें जो भी फंड्स मिलेगा हम जो भी गांव की जो भी समस्याएं हैं उनको समाधान करवाने में लगवाएंगे। चलो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। 25 को मतदान है और 27 को नतीजे आएंगे, देखते हैं नतीजों में क्या निकलता है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।